मध्य प्रदेश के रीवा का 14 महीने का एक बच्चा दुनिया में झंडे गाड़ रहा है। इस बच्चे का नाम है यशस्वी मिश्रा। इस नन्ही सी उम्र में यशस्वी 26 देशों के झंडे पहचान लेते हैं। इसके साथ ही इन सभी देशों की राजधानियों के नाम भी उन्हें याद हैं। उनके इस टैलेंट को देखते हुए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में यशस्वी का नाम दर्ज हो गया है। यशस्वी मिश्रा रीवा शहर के समान मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने 2 महीने पहले वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा आयोजित साक्षात्कार में हिस्सा लिया। इस दौरान यशस्वी ने 26 देशों के झंडे पहचाने। इसके साथ ही इन सभी देशों की राजधानियों के नाम भी बताए थे। इसके चलते वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने माना है कि सबसे कम उम्र में ये तेज याददाश्त के बच्चे हैं। यशस्वी के पिता संजय मिश्रा के मुताबिक 7 महीने की उम्र में उनके बेटे का टैलेंट सामने आया। तब वह अच्छे से बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन एक बार कोई बात बताने या फिर चित्र दिखाने पर उसे सब याद हो जाता था। कुछ महीने बाद उन्हें यह लगा कि उनका बच्चा सामान्य बच्चों से हटकर है, इसलिए उसे कई देशों के झंडों के बारे में बताया गया जिन्हें वह ठीक से पहचानने लगा। जब वो 1 साल का हुआ तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से संपर्क कर उसके वीडियो भेजे गए। 2 महीने बाद 14 महीने का जब बच्चा हुआ तो ऑनलाइन इंटरव्यू आयोजित किया गया, जहां उसने 26 देशों के झंडे के बारे में जानकारी दी। यहां 26 देशों के झंडे के बारे में जब उससे पूछा गया तो उसने सारे सही जवाब दिए थे। 11-12 महीने का था, तो हमने ऐसे ही देखने के लिए, जानने के लिए कि देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, तो हमने कुछ झंडे कुछ देशों के हमने उसके सामने रखे जो राष्ट्रीय ध्वज थे उन देशों के, और उससे पूछना शुरू। उसको पहले हमने बताया कि ये किस किस देश के झंडे हैं, और एक बार बताने के बाद जब हमने दोबारा यशस्वी से पूछा तो हमने देखा यशस्वी ने तुरंत एक बार बताने पर ही उन झंडों पे उंगली रख के हमको ये बताया कि किस देश के झंडे हैं, जिससे हमको ये महसूस हुआ कि हमारी बातें समझ पा रहा है और हम जो बता पा रहे हैं वो चीज़ें उसको मेमोराइज हो रही हैं। और इस तरीके से हमने झंडों की संख्या बढ़ाई और हमने फिर देखा कि यशस्वी उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। और फिर इसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आया कि यशस्वी किस प्रतिभा को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हालांकि उस समय यशस्वी अप्रॉक्सीमेटली 65 राष्ट्रों के जो ध्वज थे उनको पहचानता था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे हमने केवल 26 का ही एक वीडियो उनको भेजा था। और आज की डेट में अगर माना जाए, जबकि आज यशस्वी 15 महीने पूरा करके 16वें महीने में है, तो आज यशस्वी लगभग 194 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पहचानता है, साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे देशों की राजधानियां भी जानता है। तो इस तरीके से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इसको कायम किया, हमको सर्टिफिकेट भेजा और रिकॉग्नाइज़ किया कि यशस्वी इस दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने इतने झंडों को एक साथ एक बार में पहचाना है, तो हमको महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई, हमें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ खास बात है, कुछ प्रतिभा है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी जैसे जैसे यशस्वी बड़ा होगा, जैसे 18 महीने में हम एक और अटेम्प्ट कराना चाहते हैं जिसमें 194 देश और उनकी राजधानियां, साथ ही साथ उनके नक्शों को पहचान कर यशस्वी एक नया रिकॉर्ड भी बनाए, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान ने हमें एक ऐसा बच्चा दिया है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिस पे हमारा रीवा गर्व कर सकता है, विंध्य गर्व कर सकता है और हमारा देश गर्व कर सकता है। जब यशस्वी बहुत छोटे थे, 5 to 6 मंथ के थे, तो यशस्वी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी। वो कोई भी चीज़ एक बार देख लेते थे तो फिर वो पॉइंट आउट करके बताने लगते थे। फिर ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देखी, थोड़ा डिले हुआ, फिर मैंने डिस्कस किया इनके पापा से, फिर हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब ये कुछ और ही हो, लेकिन फिर हमने ट्राई किया और हमने इसको एक चैनलाइज में करना शुरू किया और इनको चीज़ें आइडेंटिफाई करानी शुरू की, लेकिन हमने देखा कि इनको 1 या 2 बार ही बताने की ज़रूरत पड़ती थी, 3rd टाइम ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसी वजह से हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया और इन्होंने, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ये देशों के झंडे बहुत ईजिली पहचान लेते हैं, बोलने से पहले ही बता देते हैं। तो इस तरीके से सफ़र चला इनका।